ग्वालियर कौमी एकता कांग्रेस द्वारा शहर भर में चलाए जा रहे जागरूक अभियान के तहत सोमवार को वार्ड क्रमांक 23 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में फैली अराजकता, देश में बिगड़ रहे सांप्रदायिक माहौल व पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार, कौमी एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष अजय जौहरी आदि मौजूद रहे। हमारे इस तरह के कार्यक्रम कौमी एकता कांग्रेस द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में एवं ग्वालियर जिले में संभाग में चलते रहते हैं, लेकिन आज इस समय देश को और प्रदेश को इस कौमी एकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक और अराजकतावादी शक्तियों ने सरकार पर कब्जा करके जनहिताय जन सुखाय के सिद्धांत को भुला के और जिस प्रकार से अपनी मन मर्जी से जैसा भी करना चाह रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो इस समय बहुत ज़रूरत है देश की। इस समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता इस समय बहुत खतरे में है, क्योंकि अगर इन आतंकी शक्तियों को हमारे नौजवानों ने नहीं रोका और हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी इसका सदियों तक भुगतान भुगतेगी। और इस कौमी एकता कांग्रेस के माध्यम से हम सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं और समाज में रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। हमारे साथ में ये जो कार्यक्रम के आयोजक हैं रामहित सिंह, वीरेंद्र सिंह और हमारे भाई महेश मधुरिया जी, महाराज सिंह पटेल, कप्तान सिंह जी, इस्माइल साहब, ये सब हम लोग मिलके एक योजनाबद्ध तरीके से ग्वालियर के 66 वार्डों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो इसकी शुरुआत आज हमने इस वार्ड से शुरुआत की है, 23 नंबर वार्ड से, और इसको हम आगे भी करते रहेंगे। तो मेरा ये सभी से यही कहना है नौजवानों से कि इस मौके पे हमको सबको एकजुट होना है और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं उनके खिलाफ हमको एकजुट होकर कार्रवाई करना चाहिए और हमको मिलकर काम करना चाहिए। जिस प्रकार से आज देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि एक ही पार्टी अपने बहुमत में होने के, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन कितना 2 महीने से चल रहा है, उस पर सरकार की जू नहीं रेंग रही, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी ओर जनता का ध्यान दिला के जन आंदोलन के रूप में हम इसकी पब्लिसिटी नहीं चाहते, लेकिन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और ये जागरूकता अभियान है। इस जागरूकता अभियान के तहत हम ये काम प्रयास करने जा रहे हैं जिससे कि समाज में एक जागरूकता आए और उन परिस्थितियों को लोग समझें और एकता के सूत्र में बंध के इन आतंकी शक्तियों का मुकाबला करें।